आज बात मंडी एक्ट की। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने आज से करीब 6 महीने पहले एक नया कृषि कानून बनाया। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन करके एक कानून बनाया, जिसने 1 मई सन 2020 को कानून की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसमें साफ तौर से था कि मंडी से बाहर व्यापार करने का मौका सभी को मिलेगा, ना लाइसेंस, ना कोई टैक्स, ना किसी तरीके का चार्ज। इसकी बात तो हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन मंडियों के आंकड़ों की। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 269 मंडियां हैं, वही 298 सब मंडियां भी हैं, यानी उप मंडियां। पहले बात मंडियों की करते हैं। अक्टूबर से जून तक के आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो अक्टूबर माह की बात करते हैं। अक्टूबर माह में 269 मंडियों में से 45 मंडियों में जीरो बिजनेस हुआ, 143 में 50-60% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं केवल 79 मंडियां ऐसी रहीं जहां कामकाज समान तौर पर चला, लेकिन ये कामकाज फल और सब्जी की वजह से हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े मध्य प्रदेश बोर्ड की अनुज्ञा वेबसाइट पर उपलब्ध है। सितंबर की बात की जाए तो सितंबर में ग्वालियर में 10, शिवपुरी में 6, सिवनी में 6 मंडियों में कोई काम नहीं हुआ। अक्टूबर की बात की जाए तो सागर की 15, जबलपुर की 14, रीवा की 9 मंडी में कोई काम नहीं हुआ। बात अगर सब मंडी की जाए तो 298 मंडियों में जीरो बिजनेस रिकॉर्ड किया गया। इसकी वजह से बोर्ड के टैक्स में तकरीबन 64% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन सन 2019 की बात की जाए तो मंडी बोर्ड के 45,000 टेंडर्स की वजह से मंडी को 1200 करोड़ रुपए मिले थे। उससे तुलनात्मक बात की जाए तो 2020-21 की 6 माह में 600 करोड़ रुपए कम से कम आने चाहिए। जून से अक्टूबर तक मिले केवल 200 करोड़ रुपए। यहां पर हम आपको बता दें, मंडी 1.5% टैक्स लेती थी, जिसमें 1% अपने पास रखती थी और 0.5% सरकार को देती थी। सरकार उस पैसे से वेलफेयर फंड में खर्च करती थी। मंडी 1% का अपने कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च। और यहाँ पर यह बड़ा सवाल पैदा होता है, मंडी अब अपने कर्मचारियों को पैसा, वेतन, पेंशन कहाँ से देगी? जिसको लेकर मंडी के लोगों ने पिछले 3 अक्टूबर को प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि सरकार ने मंडी टैक्स 0.5% ही कर दिया है। अपना पैसा तो उसने बचा लिया, लेकिन मंडी कर्मचारियों का उसको ध्यान नहीं रहा। ऐसे में मंडी कैसे चलेगी, इसका जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है। यहाँ पर सरकार के फेवर में एक बात जाती है, वह सरकार ने इस दौरान 159 लाख टन गेहूँ MSP पर खरीद डाला, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर यह भी गौर करने लायक बात है, मंडी कानून ने संशोधन के बाद अक्टूबर में मंडी के अंदर 47% और सितंबर में केवल 41% कारोबार हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी कानून की उपलब्धियां बताने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 16 दिसंबर को रीवा के NCC मैदान में एक सभा लेने आ रहे हैं। टुडे मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ इस समय हम मौजूद हैं रीवा के कृषि उपज मंडी में। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में 258 मंडियां हैं इसी टाइप की, और 298 सब मंडियां हैं। उन मंडियों में हालात बहुत ही बुरे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1972 मंडी एक्ट को संशोधित करके 1 मई को एक नया कानून लाया था। आज हम बात करेंगे उसी कानून की। मंडी में पहले 1.5% टैक्स लिया जाता था, उस 1.5% का 0.5% चला जाता था सरकार के खजाने में, बचता था जो 1%, उससे ही मंडी में यहाँ पर तमाम मेरे साथ जो लोग देख रहे हैं इनकी सैलरी हुआ करती थी, उससे इनकी तनख्वाह दी जाती थी, उनको इनसे तमाम तरीके के फंड दिए जाते थे। उसी को लेकर अब वो गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब 1% नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब 0.5%। गवर्नमेंट ने तो अपने पैसे बचा लिए, इनके पैसे, इसका देख के साफ लगता है उनकी सरकार की नीयत ही ऐसी नहीं है कि मंडी चले। आज इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मंडी इंस्पेक्टर राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी बताइए पूरा वाक्य क्या है। वाक्य ये है, हाँ सर,
इस समय जो है मंडियों की हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है, आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। पहले मंडियों के मंडी समितियों को अधिकार था मंडी प्रांगण के बाहर पूरे जहां से मंडी समिति निर्वाचन क्षेत्र जो पूरी रहती थी, पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मंडी कर्मचारियों का कंट्रोल रहता था कि कोई भी व्यापारी व्यापार करेगा, किसानों का कृषि उपज खरीदेगा तो वो मंडी से लाइसेंस लेगा, और मंडी से लाइसेंस लेकर के अब मंडी के अधिनियम, मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार जो है पूरी प्रोसेस पूर्ण करने के उसमें किसानों को भुगतान तत्काल करेगा। अब यही किसानों को भुगतान को कंट्रोल करने के लिए जो हमें अधिकार था, इससे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहती थी और किसानों का कोई समस्या नहीं आती थी। अब इस समय क्या है कि मंडियों का अधिकार मंडी प्रांगण के अंदर कर दिया गया, बाहर खुली छूट दे दी गई। जब बाहर खुली छूट दे दी गई, वहाँ के कंट्रोल से बाहर के व्यापारी चले गए। हम बाद में करेंगे। हाँ। सवाल ये है कि जैसे सरकार ने 1% कम किया है, उस 1% से आपकी सैलरी हुआ करती थी, आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, तो अब क्या किस तरीके से आप लोग की सैलरी पे क्या असर पड़ने वाला, क्या आपको लगता है कि सरकार की मंशा मंडी चलाने की नहीं है? सरकार का डबल मार पड़ गई मंडियों को। पहला मार पड़ गया कि बाहर से जो सूली होती थी वो बंद हो गई, बाहर का इनकम खत्म हो गया। दूसरा, जो अंदर का जो आवक थी उसमें भी व्यापारी जब बाहर चले गए तो वो भी कम हो गया। और तीसरी बात, जो इनकम सीधे से जो 1.5% थी मंडी निधि में 1% और सड़क विकास निधि में 0.5%। मैं रोकूंगा आपको। हाँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर बात पुराने आंकड़ों की जाए तो 19-20 में मंडी ने 1.5% कहने के लिए 1.5% 1200 करोड़ रुपए की आवक यहां पर से हुई थी। अगर उसी आधार पर 2021 की बात की जाए तो 2021 में केवल और केवल पिछले 6 महीनों का आंकड़ा लिया है तो 600 करोड़ की रकम होनी चाहिए, लेकिन केवल 200 करोड़ रकम ही आई है। जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? तो 50 पैसे जब मंडी शुल्क कर दिया गया तो अभी पिछले 1.5 महीने मतलब 14 नवंबर से 50 पैसा किया गया है। इससे जो व्यापारी अभी तक दिसंबर 14 नवंबर से दिसंबर तक जो पैसा 1.5% के हिसाब से जमा किए थे उसी की भरपाई करते करते अभी इस समय 0 मंडी शुल्क है। ये जनवरी तक हम भरपाई करेंगे, यानी जनवरी तक मंडियों की इनकम 0 रहेगी, कोई आय नहीं होगी, और जो भी आय होगी वो जो है 3 गुना कम होगी। तो मंडी के जो पहले मिलती थी 1% मंडी निधि में आती थी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और प्लस पूरे जो खर्चे थे, प्रांगण के रख रखाव, पूरे साफ़ सफाई वगैरह, जितने लाइट बिजली पानी सारी व्यवस्थाएं जो चलती थी, तो अब वो लाइट बिजली पानी में ही वो 50 पैसा चला जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी के नाम पर 0 पैसा है, कोई पैसा नहीं। कर्मचारियों की सैलरी के नाम से 0 है। अब देखना है निकट भविष्य में सरकार किस तरीके से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, जिससे मंडी से जुड़े हुए लोगों का कारोबार, उनके घर की रोजी रोटी चलती रहे। हालांकि वो अनाज का काम करते हैं, अब एक बड़ी समस्या यही है उनके घर में अनाज कैसे जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।